रातें हैं नशे मन पे बिजलियां। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टिकटॉक भी एक बड़ा नाम रहा है। टिकटॉक ने न जाने कितने कलाकारों को उनकी सही मंजिल दिखाई, लेकिन उसके बाद जब इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया तो कुछ कलाकार टिकटॉक के साथ ही थम गए। लेकिन कुछ कलाकारों ने अपनी एक्टिंग पर भरोसा जताया, इसीलिए उन्होंने टिकटॉक के बैन होने का ज्यादा दुख न मनाते हुए उन्होंने अपने आगे के कैरियर को देखा, और उन्हीं कलाकारों में से एक नाम रिंकू जा का भी शुमार है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है जतिन तोमर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको रिंकू जा के बारे में सब कुछ बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके फैक्ट्स। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है। रिंकू जा बिहार से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिलहाल में ये अपनी फैमिली के साथ नेपाल जनकपुर में रहती हैं। 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिंकू लगभग 35 साल की हो चुकी हैं, लेकिन जब आप लोग इनको देखेंगे तो आप लोगों को इनकी एज कम ही लगेगी। रिंकू की ससुराल नेपाल में है। रिंकू को मैथिली भाषा के साथ साथ हिंदी भी आती है। रिंकू शादीशुदा है और इनके 3 बच्चे भी हैं। रिंकू अपने धर्म को भी बहुत महत्व देती हैं। रिंकू ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की। इनकी टिकटॉक वीडियो में इनकी बेटी भी नजर आई, जो कि बिल्कुल इनकी कार्बन कॉपी लगती हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। टिकटॉक पर रिंकू बहुत तेजी से छाई और इनके फॉलोवर्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिंकू का टिकटॉक पर अच्छा खासा सफर चल ही रहा था कि तभी भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया, और फिर कुछ दिनों बाद इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक के बैन होने से रिंकू को दुख तो हुआ, लेकिन फिर ये इंस्टाग्राम से जुड़ गई और इंस्टाग्राम पर ये फैन फॉलोइंग हासिल करने के लिए मेहनत करती रही। अगर गिलास टूटने के बाद भी घर में खामोशी है तो ये गिलास बीबी ने तोड़ा है, और गलती भी गिलास की ही है। लेकिन फिर साल 2020 में रिंकू ने अपना एक YouTube चैनल बना लिया और ये अपने TikTok वाले वीडियोस YouTube पर डालने लगी। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासी एक कहानी ऐसा। लोगों को इनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस बहुत पसंद आई। शुरुआत में इन्हें YouTube पर इतनी पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, लेकिन रिंकू को अपने आप पर भरोसा था कि वो एक ना एक दिन वायरल जरूर हो जाएंगी। और फिर एक दिन रिंकू की YouTube पर एक वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो में रिंकू ने एक गाने पर एक्सप्रेशंस दिए थे और वो एक्सप्रेशंस लोगों को बहुत पसंद आए। इसके बाद तो जैसे रिंकू वायरल होती चली गई। ठंड में बार बार नहाने का ताना देने वालों, याद रखना, गर्मी में सबकी बोलती बंद कर दूंगा। आज रिंकू के 2 YouTube चैनल हैं। एक YouTube चैनल पर ये टिकटॉक वाली वीडियो डालते हैं और दूसरे पर ये ब्लॉग्स वीडियो डालते हैं। रिंकू का YouTube चैनल रिंकू झा के नाम से है, जिस पर इनके 257 के से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। हाय हाय, क्या ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। रिंकू झा की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद। अच्छा, जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? जब सर दर्द ही नहीं होता था पगली।